नमस्कार, मैं रुचि सोलंकी अलवर न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। रुक कर लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। पति ने पत्नी की गला दबाकर की हत्या, आरोपी पति हत्या के बाद पहुंचा थाने। अलवर शहर में चोर हुए बेलगाम, घर के आगे से ही ई रिक्शे की बैटरी चुरा कर हुआ फरार। अलवर सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव पहुंचे अलवर, कहा सरिस्का को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए बन रही है योजना। गोविंदगढ़ नगर पालिका के वार्डों का सीमांकन 10 जुलाई से, ग्रामीणों ने सीमांकन करने में लगाया भेदभाव का आरोप। और अब खबरें विस्तार से। मुंडावर उपखंड की ग्राम पंचायत बहरोज में भारतीय स्टेट बैंक शाखा खैरतल की ओर से शनिवार को अटल सेवा केंद्र में कृषि ऋण एनपीए रिकवरी एवं समाधान शिविर का आयोजन किया गया। एसबीआई प्रशासनिक कार्यालय जयपुर से मुख्य प्रबंधक क्रेडिट एवं एनपीए दिनेश कुमार वर्मा, क्षेत्रीय कार्यालय अलवर में प्रबंधक एनपीए नीरज कुमार, एसबीआई शाखा खैरतल से प्रबंधक सुमन कुमार, फील्ड ऑफिसर मेघ सिंह, शिविर में किसानों को कृषि ऋण को समय पर भरने के फायदे बताए गए एवं एनपीए खातों को ठीक करने के बारे में किसानों को समझाया गया। इस दौरान सरपंच प्रतिनिधि तरुण शर्मा, सरजी ठेकेदार शेर सिंह योगी, मोहन कौशिक, वीर सिंह सहित बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे। तिजारा कस्बे के बड़ी होली पर भीषण गर्मी को देखते हुए समाजसेवी लोगों ने भीषण गर्मी को देखते हुए राहगीरों को ठंडाई पिलाई। मार्ग पर आने जाने वाले लोगों को रोक रोक कर दिन भर सेवा की। इस अवसर पर प्रधान कृष्ण सैनी, पार्षद मंगतुराम सैनी, गुल्लू यादव, नवल सैनी, राहुल मिस्त्री, अशोक गुर्जर, शुभम, योगेश, प्रशांत, अंकित, नरेंद्र सोनी, जीतू उर्फ जितेंद्र सोनी, चिंटू सैनी, जसवंत सैनी सहित लोग मौजूद थे। तिजारा कस्बे सूरजमुखी धाम पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। सूरजमुखी कुंड में लोगों के नहाने के लिए भरपूर पानी की व्यवस्था की गई। भजन मंडली द्वारा मनोहारी भजनों की प्रस्तुति दी। रैणी उपखंड क्षेत्र के ग्राम माचाड़ी में स्थित नंगेश्वर धाम आश्रम पर महंत माधवदास महाराज के सानिध्य में बालक दास महाराज द्वारा श्रीमद भागवत कथा महापुराण कथा के दौरान भक्ति मैया के दो पुत्र की मूर्छा अवस्था दूर होती है। धुंधकारी गोकर्ण का संवाद आत्मदेव की कथा सुनाई। इससे पूर्व महिलाओं द्वारा 251 कलशों को सर पर धारण कर मंगल गीत गाते हुए कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा नंगेश्वर धाम आश्रम से शुरू होकर पाटन चौराहा, रैणी चौराहा, बस स्टैंड, कस्बे के बाजार, ईश्वाना रोड होते हुए कस्बे में चारों ओर परिक्रमा करते हुए नंगेश्वर धाम आश्रम पर पहुंची, जहां पर भागवत की पूजा अर्चना कर प्रसाद वितरण किया। माधवदास महाराज ने बताया कि भागवत आचार्य बालकदास महाराज वृंदावन धाम के मुखारविंद से प्रातः 8 बजे, श्रीमद भागवत कथा दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक होगी तथा शनिवार 22 जून 2024 को प्रातः 8 बजे हवन यज्ञ तथा दोपहर 11 बजे से विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर श्यामदास महाराज, रघुनाथ दास, ओमदास, गौ सेवक, नागपाल शर्मा सहित सैकड़ों ग्रामीण महिला पुरुष मौजूद थे। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भागीरथ चौधरी के दिल्ली से अजमेर जाते समय गांव माजरा काठ के स्टैंड पर जिला प्रमुख बलवीर सिंह छिल्लर व भाजपा नेता सुरेंद्र छिल्लर ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी माला और 21 मीटर का साफा बांधकर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री का भव्य स्वागत किया और उन्हें केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार मिलने की बधाई दी। इस दौरान अलवर उत्तर युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष विशेश्वर चौधरी, एडवोकेट अरुण पंडित, धीरज सैन, सत्यवीर चौधरी, माता दीन प्रधान, पृथ्वी चौधरी, अशोक, अमित, अभिषेक, सूबे सिंह सहित सैकड़ों की तादाद में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवाड़ी आईएएस एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको आरएएस, आईएएस, शिक्षक, रीट, एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस,
एसआई, पटवारी, एसटीसी और बीएड जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवाड़ी आईएएस एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे नेहरू नगर अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुंडावर क्षेत्र के गांव दरबारपुर में युवाओं की पहल पर स्कूल ग्राउंड में 40 साल से हो रहे अवैध अतिक्रमण को प्रशासन की सहायता से हटवाया गया। गौरतलब है कि ग्राम दरबारपुर में राजकीय दिव्य विद्यालय के खेल मैदान को ग्रामवासियों ने अतिक्रमण कर चारों ओर से दबा रखा था, जिस पर गांव के युवाओं ने आपसी तालमेल कर युवा संगठन बनाकर ग्राम की समस्याओं के संदर्भ में एसडीएम और तहसीलदार मुंडावर को प्रार्थना पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की, जिस पर उपखंड स्तरीय प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कई दशकों से चले आ रहे अतिक्रमण को ग्रामवासियों की मौजूदगी में हटवाया गया। खेल मैदान के लिए अलवर सांसद भूपेंद्र यादव द्वारा चार दीवारी के लिए पूर्व में स्वीकृति जारी की हुई थी, जिसके फलस्वरूप ग्रामवासियों द्वारा नींव खोदकर भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर ब्लॉक स्तरीय प्रशासन और स्कूल के उप प्राचार्य चंद्रपाल यादव, प्रोफेसर डॉक्टर रामानंद यादव, किशोरी लाल, रामवीर, मोनू, भीम, विकास आदि सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। गोविंदगढ़ कस्बे में स्थित कृषि उपज मंडी में आज कृषि उपज मंडी के व्यापारियों के द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्रवासियों के द्वारा भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया गया। अंकुर खंडेलवाल ने बताया कि कृषि उपज मंडी के व्यापारियों के द्वारा कल शुक्रवार को रामायण पाठ परिसर स्थित हनुमान मंदिर में प्रारंभ कराया गया था, जो कि आज सवेरे पूर्ण हुआ और उसके बाद हवन यज्ञ किया गया, जिसमें भोग लगाने के बाद भंडारे का प्रारंभ किया गया। आज कृषि उपज मंडी समिति गोविंदगढ़ में रामायण जी का पाठ कराया गया हनुमान जी के मंदिर में, और अभी विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है जो कि सुबह 10 बजे से शाम तक चलेगा। और ये कृषि उपज मंडी के जो व्यापारी हैं उन सभी के सहयोग से प्रतिवर्ष किया जाता है, आगे भी इस तरह के धार्मिक आयोजन होते रहे कस्बे में, ऐसी सभी की इच्छा। तिजारा गांधी दर्शन समिति ने उपखंड अधिकारी संजीव कुमार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। समिति के संयोजक बक्सानंद भारती ने बताया कि गांधी वाटिका एवं म्यूजियम सेंट्रल पार्क जयपुर को आमजन हिताय खोलने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आमजन की भावनाओं को ध्यान रखते हुए 85 करोड़ रुपए की लागत से गांधी वाटिका एवं म्यूजियम का निर्माण किया था। वर्तमान सरकार द्वारा वाटिका एवं म्यूजियम पर ताला लगा दिया है, तुरंत ताला खुलवाकर गांधीवादी विचारधारा को सुचारू रूप से चलने दें। गांधी दर्शन समिति व पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ज्ञापन देने के बाद भी अगर ताला नहीं खुला तब उपखंड जिला व प्रदेश स्तर पर विरोध प्रदर्शन होगा, जिसका जिम्मेदार प्रशासन रहेगा। इस मौके पर उपखंड संयोजक बक्सानंद भारती, नरेश शर्मा आदि मौजूद रहे। अलवर शहर सहित जिले भर में पेयजल संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। जिला प्रशासन सभी को पेयजल उपलब्ध कराने में विफल साबित हुआ है। जनता को रात भर जागने के बाद भी पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा। अनेक बार पानी के लिए लोगों में आपस में ही झगड़े की नौबत आ जाती है। पानी के लिए टैंकर के आगे लंबी लाइन देखी जा सकती है। अलवर जिले में भामाशाहों के द्वारा टैंकर द्वारा पानी भेजा जा रहा है और दूसरी तरफ जलदाय विभाग खामोश बना हुआ है। जलदाय विभाग में प्रतिदिन लोग पानी की समस्या को लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन फिर भी पानी को लेकर पुख्ता इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ अलवर शहर में वाटर पार्क रोजाना लाखों लीटर पानी व्यर्थ बहा रहे हैं। अलवर शहर में दिन भर पानी के निजी टैंकर आते हैं। पानी के टैंकर कहां से आते हैं, इस बारे में विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ये निजी बोरिंग है। अब निजी बोरिंग पानी बेच सकता है, ऐसे में सरकारी बजट से क्या सैकड़ों बोरिंग नहीं कराई जा सकती हैं? गोविंदगढ़ कस्बे में पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा बनाई गई गोविंदगढ़ नगर पालिका सहित 16 नगर पालिकाओं के सीमांकन प्रस्ताव 10 जुलाई तक तैयार करने होंगे और प्रतीक शब्द का परिसीमांकन प्रस्ताव राज्य सरकार से अनुमोदित करना जरूरी है। पालिकाओं में जनसंख्या के आधार पर निर्धारित वार्डों का परिसीमांकन करना है। परिसीमांकन के दौरान प्रस्ताव तैयार करना, इन प्रस्तावों की जांच करना और उसके बाद वार्डों का प्रारंभिक प्रकाशन करना होगा। वार्ड प्रस्तावों पर दावे आपत्तियां प्राप्त कर उनका निपटारा करना और राज्य सरकार से अनुमोदन करने के बाद वार्डों को अंतिम रूप देकर राजपत्र में प्रकाशित करने की सभी कार्रवाई नियम अनुसार निर्धारित समय में करनी होगी।
लेकिन गोविंदगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में केवल गोविंदगढ़ कस्बे को ही सम्मिलित किया गया है, जहां गोविंदगढ़ कस्बे की काफी जनसंख्या रामवास ग्राम पंचायत में निवास करती है और यहां क्षेत्रवासियों की गोविंदगढ़ और रामवास ग्राम पंचायत को मिलाकर नगरपालिका बनाए जाने की मांग की गई थी, लेकिन कांग्रेस सरकार के द्वारा केवल गोविंदगढ़ को ही नगरपालिका में शामिल किया गया, जबकि रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, कठुमर, बड़ौदा मेव, नौगांवा सहित अन्य नगरपालिकाओं में आसपास के गांवों तक को शामिल किया गया है। यहां राजनीति के चलते सभी नेता अपना अपना स्वार्थ देख रहे हैं, जिसका खामियाजा यहां की जनता को उठाना पड़ रहा है। कलाकार क्रिकेट लीग टूर्नामेंट की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। आयोजक पुनीत सक्सेना ने बताया कि टूर्नामेंट में विशेष अतिथि कैलाश गोयल, दर्शन, मुकेश शर्मा, कैलाश सैनी, कैलाश वर्मा, ज्योति सक्सेना रहे। टूर्नामेंट 6 टीम के द्वारा खेला गया, जिसका पहला मैच कैप्टन राहुल व कैप्टन सोनी के बीच हुआ, जिसमें राहुल की टीम विजयी रही। दूसरा मैच पुनीत सक्सेना व चिराग गर्ग के बीच खेला गया, कड़ा मुकाबला करते हुए पुनीत सक्सेना की टीम विजयी रही। तीसरा मैच राजन शर्मा व राजू राजस्थानी के बीच खेला गया, जिसमें राजू राजस्थानी की टीम विजयी रही। तीनों टीम के मैन ऑफ द मैच रिंकू सैनी, शुभम, विक्की रहे। आयोजक पुनीत सक्सेना ने बताया कि जो भी टीम विजयी होगी वह टीम सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाएगी। केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव आज सुबह अलवर पहुंचे। सर्वप्रथम उन्होंने भर्तृहरि बाबा धाम में जाकर ढोक लगाई। उन्होंने जगन्नाथ मंदिर में चुनाव जीतने का मन्नत का नारियल बांधा था। उस मन्नत के नारियल को जगन्नाथ मंदिर के पुष्पेंद्र शर्मा द्वारा खुलवाकर पूजा अर्चना करवाई गई। केंद्रीय मंत्री यादव ने कहा, मैं अलवर का ही हूँ, मुझे अलवर के विकास के लिए कार्य करना है। आज पूरे दिन व्यस्त कार्यक्रम से पूर्व देव दर्शन कर अलवर की खुशहाली की कामना की। मंदिर महंत द्वारा केंद्रीय मंत्री यादव को चांदी का श्रीफल भेंट करके सम्मान किया। यहां से निकलने के बाद अलवर के त्रिपोलिया महादेव मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। उसके बाद अलवर सांसद क्षेत्र के विभिन्न विधानसभाओं के लोगों से मुलाकात का कार्यक्रम रहा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा पानी की समस्या के समाधान के लिए जिला कलेक्टर और संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक में कार्य योजना पर चर्चा होगी। आज प्रातः 8 बजे भगवान श्री जगन्नाथ जी का मंदिर सुभाष चौक में भूपेंद्र यादव जी कैबिनेट मंत्री ने पधारकर जो मन्नत का नारियल बांधा था उसको खोला और दूसरा राजस्थान में खुशहाली के लिए और पूरे भारतवर्ष में बीजेपी की जो सरकार चल रही है अच्छे ढंग से चले इसके लिए भगवान श्री जगन्नाथ जी से कामना करके नारियल बांधा, नया नारियल बांधा। और भूपेंद्र यादव जी ने कहा कि मैं भगवान श्री जगन्नाथ जी का जो मेला बढ़ता है उसमें 18 जुलाई को मेले के अंदर जरूर पधारूंगा, क्योंकि अब मैं अलवर का ही हूँ और मेरे को अलवर के हर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेना है। जय जगन्नाथ। मंदिर की तरह से क्या भेंट किया गया? भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर से महंत पुष्पेंद्र कुमार शर्मा ने भूपेंद्र यादव जी को चांदी का श्रीफल भेंट किया। मुंडावर उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत ततारपुर में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। रात्रि चौपाल में ग्रामीणों ने अपनी अपनी समस्याएं चौपाल में उपखंड प्रशासन के समक्ष रखी, जिस पर चौपाल में मौजूद उपखंड अधिकारी सुरेंद्र प्रसाद ने ग्रामीणों की समस्याओं को चौपाल में मौजूद जन समस्या संबंधित अधिकारियों को देते हुए नियत समय में निदान करने को कहा। चौपाल में आई समस्याओं में से सड़क मार्ग पर आवाजाही में परेशान कर रही पेड़ की टहनियों को हटवाने की मांग की, जिस पर चौपाल में मौजूद पीडब्ल्यूडी की कनिष्ठ अभियंता को समस्या का निराकरण करने को कहा। एक ग्रामीण के द्वारा उनके खेत में अचानक आग लगने से कृषि की जींस जलने पर मुआवजे की मांग का परिवाद किया। रात्रि चौपाल में एक ग्रामीण ने किसान सम्मान निधि नहीं मिलने सहित बंटवारे की जमीन पर साझेदारों के द्वारा परेशान करने आदि के मामले सामने आए। जमीन बंटवारे के मामले में एसडीएम ने परिवादी को कागजों में बंटवारा करने अथवा कोर्ट में केस डालने पर ही हल होने का सुझाव दिया। सहायक विकास अधिकारी देवेश कुमार कौशिक ने समाज कल्याण की योजनाओं, पेंशन में अपडेट कराने एवं खाद्य सुरक्षा की योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को जानकारी दी। ACBEO दीनदयाल ने सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को सरकार की ओर से मिलने वाली योजनाओं के बारे में बताया। सहायक अभियंता PHED विकास गुप्ता ने सीमित पेयजल के चलते हो रही सप्लाई तथा जल जीवन मिशन से पेयजल सप्लाई बढ़ाने का बारे में बताया। सहायक कृषि अधिकारी ने किसानों को सरकार की ओर से कृषि अनुदान योजनाओं के बारे में बताया। समाज कल्याण अधिकारी, विद्युत विभाग, पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने भी उनके विभाग की विभिन्न योजना के बारे में बताया। रात्रि चौपाल में SDM के अलावा तहसीलदार मदन लाल चौधरी, पशु चिकित्सक डॉक्टर सुरेश चौधरी, सहायक विकास अधिकारी देवेश कौशिक, सरपंच संतोष रविंद्र यादव, विद्युत विभाग के सहायक अभियंता नवीन यादव,
पीएचईडी के सहायक अभियंता विकास गुप्ता सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। सीएमआरएस इंस्टीट्यूट एडमिशन ओपन 6th to 12th एंड टारगेट बैच, न्यू बैच स्टार्ट। आईआईटी नीट सीए 6th to 12th क्लास फाउंडेशन ह्यूमैनिटीज विद आईएएस क्लैट प्रोग्राम, स्कॉलरशिप अप टू 90%। सीएमआरएस में आपको मिलेगी स्टेबल और एक्सपीरियंस फैकल्टी आपके बच्चे की बेहतर पढ़ाई के लिए, जिनमें सीपी गुप्ता सर, एसएस राठौड़ सर, राजीव बंसल सर, विकास चतुर्वेदी सर और प्रमोद गुप्ता सर। सीएमआरएस जेएलजी स्क्वायर अपोजिट हरीश हॉस्पिटल नियर जेल सर्किल अलवर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टेक्ट अस 7014392684 और 9828115191। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर ने शोधार्थी ओमवीर सिंह को उनके शोध प्रबंध पर पीएचडी की उपाधि प्रदान की है। शोधार्थी ओमवीर ने राजस्थान का हिंदी व्यंग्य लेखन एक अध्ययन विषय पर अपना शोध कार्य प्रोफेसर डॉक्टर रेणु वर्मा आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के निर्देशन में पूर्ण किया है। ओमवीर सिंह ग्राम शोरावली डीग व हाल नेहरू नगर अलवर निवासी हैं तथा वर्तमान में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय ढाणी कुमावतान सांगानेर सिटी जयपुर में व्याख्याता हिंदी पद पर कार्यरत हैं। जिला कलेक्टर ने जिला खैरतल तिजारा में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए शुरू किए गए जिला नवाचार सशक्त खैरतल तिजारा अभियान की प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन ब्लॉक तिजारा टपुकड़ा और किशनगढ़ बास में शनिवार को किया गया, जिसमें सशक्त खैरतल तिजारा अभियान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की सर्वे टीमों को सर्वे के माध्यम से दिव्यांगजनों के चिन्हीकरण के बारे में बताया गया, दिव्यांगजनों के लिए चलाई गई विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया गया। प्रशिक्षण में ब्लॉक स्तर से एएनएम पटवारी, आशा सहयोगिनी, ग्राम विकास अधिकारी तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्मिक उपस्थित रहे। संबंधित ब्लॉक से उपखंड अधिकारी और महिला एवं बाल विकास अधिकारी और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। सभी प्रतिभागियों द्वारा गंभीरता से प्रशिक्षण लिया गया। प्रशिक्षण में प्रतिभागियों की जिज्ञासाओं को भी प्रशिक्षण दलों द्वारा शांत कर गुणवत्तापूर्ण सर्वे करने का अनुरोध किया गया। अलवर सांसद भूपेंद्र यादव मंत्री बनने के बाद पहली बार अलवर पहुंचे, कार्यकर्ताओं नेताओं से मुलाकात करते हुए लोगों की समस्याएं सुनी, साथ ही अधिकारियों की मीटिंग लेकर फीडबैक लिया। उसके बाद अलवर के सर्किट हाउस में एक प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि अलवर ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है उसको पूरा करूंगा। 5 जून को माँ के नाम एक पौधा अभियान शुरू किया गया है, जब हम उस पौधे को संभालेंगे तो पेड़ स्थायी रूप से रहेगा। देश में बाघों की संख्या बढ़ी है, यह सुखद है। सरिस्का को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए योजना बनाई जा रही है। राजस्थान सरकार के वन मंत्री व केंद्र सरकार के वन मंत्री अलवर से हैं। सरिस्का का इको सेंसिटिव जोन जल्द फाइनल होगा, इसके लिए साथ मिलकर काम करेंगे। पानी के लिए काम शुरू किया है, अलवर में 6 करोड़ लीटर की डिमांड है, जबकि 3 करोड़ लीटर पानी सप्लाई हो रहा है। पानी कहां से लाया जाए इसको लेकर फिर से काम शुरू होगा। यादव ने कहा, मैं अलवर की जनता का आभारी हूं, सभी गांवों में जाकर लोगों को धन्यवाद दूंगा। कांग्रेस ने पूरे 5 साल में केवल खाना पूर्ति की, अलवर के लोगों को जल्द ही सिंथेटिक ट्रैक मिलेगा। एसपी मनीष कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने कार्रवाई करते साइबर फ्रॉड करने वाले 5 आरोपी को गिरफ्तार किए हैं। आरोपी से 8 मोबाइल, 10 सिम कार्ड, 1 कार, हुंडई वेन्यू, ठगी की राशि 50,400 एवं जमीन व दुकान के कागजात जब्त किए हैं। एसपी मनीष कुमार के नेतृत्व में डीएसटी टीम और किशनगढ़ बास थाना पुलिस की विशेष टीम की यह कार्रवाई रही। थानाधिकारी जितेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि साइबर अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत जंगल में पेड़ों के नीचे बैठे हुए साइबर ठग गिरफ्तार किए हैं। पकड़े गए आरोपी मुस्तकीम व मुसल्लम पुत्रान बसदीन निवासी थाना घोड़ा को ऑनलाइन ठगी में 4 मोबाइल, 5 सिम कार्ड सहित गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि विभिन्न लोगों से फेसबुक व व्हाट्सएप पर घर बैठे नटराज पेन, पेंसिल, पैकिंग, जॉब एवं पुराने सिक्के एवं करेंसी नोट मोटी रकम में खरीदने का झांसा देकर प्रॉब्लम भरे मैसेज प्रसारित कर ऑनलाइन ठगी की वारदातें की हैं, जिसमें फर्जी सिम कार्ड एवं फर्जी बैंक खातों को उपयोग में लेते हैं।
कल विश्व रक्तदाता दिवस के उपलक्ष्य में अमूल्य भारत फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा अलवर के प्रसिद्ध डॉक्टर और प्रमुख समाज सेवी डॉक्टर एससी मित्तल तथा अलवर के प्रमुख रक्तदाता गिरीश गुप्ता का सम्मान किया। फाउंडेशन के अध्यक्ष देवराज शर्मा द्वारा सम्मानित किया और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर फाउंडेशन के ट्रस्टी योगेश स्वामी भी मौजूद रहे। 11वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला पुरुष टारगेट बॉल प्रतियोगिता 12 जून को आरंभ हुई, जिसमें रोमांचक मुकाबले हुए। जिला सचिव बबी सिंह मीणा ने बताया कि रोमांचक मुकाबले के दौरान खिलाड़ियों का दर्शकों ने उत्साहवर्धन किया। राजस्थान राज्य सचिव कविता शर्मा ने बताया कि आज राज्यों के मध्य लीग मैच के अतिरिक्त क्वार्टर फाइनल तथा सेमीफाइनल के मैच देर रात तक चले। इस अवसर पर राजस्थान कोषाध्यक्ष अनिल मीणा, राजेश शर्मा, राजस्थान कबड्डी संघ के रेफरी बोर्ड चेयरमैन कृपा शंकर, समाज सेवी श्री कृष्ण गुप्ता, LIET डायरेक्टर राजेश भारद्वाज, राज्य कबड्डी संघ के कोषाध्यक्ष कैलाश सैनी, NIS कोच फूलचंद गुजर, राजस्थान राज्य बास्केटबॉल संघ के तकनीकी कमेटी चेयरमैन पन्नालाल उपस्थित रहे। राजस्थान टीम के नवीन यादव, भीम गुजर, अशफाक हंसराज, बबलेश मीना प्रभुलाल गुजर, राहुल हिंदू मीना ने शानदार प्रदर्शन किया। तिजारा के अंबेडकर भवन में तिजारा राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पर जिला स्तरीय कार्य योजना मीटिंग आयोजित हुई, जिसमें माह जून 2024 में आयोजित होने वाले पल्स पोलियो अभियान की गहनता से समीक्षा की गई तथा समस्त ब्लॉक स्तरीय एवं सेक्टर स्तरीय अधिकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षित भी किया गया। बैठक में जिला प्रजनन एवं स्वास्थ्य अधिकारी खैरतल तिजारा द्वारा तथा जयपुर पहुंचे डॉक्टर सुशील ने सभी अधिकारी कर्मचारियों को LED पैनल के माध्यम से प्रशिक्षित किया। साथ ही साथ जिला अलवर से पधारे अशोक कुमार DAC के द्वारा RCH रजिस्टर का प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया। तिजारा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के निर्देशानुसार 13 जुलाई को आयोजित होने वाली आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए 14 जून को अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संतोष कुमार की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत की प्री काउंसिलिंग को लेकर विभिन्न बैंकों के प्रबंधकों के साथ मीटिंग का आयोजन किया गया। समिति के सचिव अक्षय शर्मा ने बताया कि इस बैठक में विभिन्न बैंकों के सखा प्रबंधकों ने प्री काउंसिलिंग के संबंध में अपने विचार एवं सुझाव प्रस्तुत किए। न्यायाधीश संतोष कुमार के द्वारा बैंक प्रबंधकों को प्री लिटिगेशन के मामलों के शीघ्र एवं प्रभावी निस्तारण के लिए निर्देशित किया गया। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला ने शुक्रवार को मुंडावर क्षेत्र के PMK से कारों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सहायक अभियंता वाटरशेड छत्रपाल सिंह सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर ने सर्वप्रथम गांव का पानी गांव में योजना के तहत रूंद गांव में बने एनिकट तत्पश्चात बडली गांव में स्थित अमृत सरोवर एवं चारागाह विकास कार्य साइट, सुखमन हेड़ी गांव में बनी ओपन जिम, नांगली ओझा गांव में स्थित चार का विकास कार्य साइट एवं फार्म पॉन्ड का परीक्षण किया। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला के निर्देशानुसार आगामी वर्षा ऋतु में भिवाड़ी जल भराव से निपटने हेतु सभी विभागों द्वारा नालों की सफाई का कार्य किया जा रहा है। वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक रिको ज्ञानेंद्र शर्मा ने बताया कि जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार पाशवनाथ पर स्थित मुख्य नाले का पानी रुकवा कर पिछले कुछ दिनों में 400 मीटर नाले की सफाई करवा मरम्मत का कार्य करवाया जा रहा है। पाशवनाथ पर स्थित नाले को लगभग 1.5 फीट ऊंचा भी किया जा रहा है ताकि नाले को जल भराव की क्षमता को बढ़ाया जा सके। उन्होंने बताया कि इसके अलावा भी रिको क्षेत्र में स्थित सभी नालियों की सफाई कराई जा चुकी है। भारत माता राजीविका CLF में राष्ट्रीय स्तर की इमर्शन साइट बनाने के लिए कार्यशाला का आयोजन आजीविका मिशन नई दिल्ली के उपनिदेशक रमन भादवा की अध्यक्षता में हुआ। कार्यशाला में डॉक्टर जूई भट्टाचार्य ने संस्थागत निर्माण एवं क्षमता वर्धन पर अपने विचार व्यक्त किए। इसके अलावा कार्यशाला में अलग अलग वक्ताओं ने लिंग व जेंडर, खाद्य पोषण स्वास्थ्य सहित अन्य विषयों पर विचार व्यक्त किए। कार्यशाला के बाद CLF राष्ट्रीय स्तर की इमर्शन साइट बनाएगा, जिसमें अलग अलग राज्यों से NMMU से अधिकारियों व अन्य CLF के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। किशनगढ़ वास काले खां बाग स्थित राजीव गांधी सेवा केंद्र के VC रूम में SDM मूलचंद लूनिया की अध्यक्षता में त्रिस्तरीय जनसुनवाई की गई। जनसुनवाई में तहसीलदार भंवर सिंह नरूका सहित बिजली पानी चिकित्सा शिक्षा आदि विभागों के अधिकारी प्रतिनिधि मौजूद रहे। जनसुनवाई में कुल 12 परिवाद ही दर्ज किए गए। फरियादियों की शिकायत पर SDM ने अधिकारियों को समयबद्ध 5 दिवस की अवधि में परिवादों का निस्तारण कर राहत प्रदान करने के निर्देश दिए। यह जनसुनवाई आमजन की परिवेदनाओं एवं समस्याओं के त्वरित निराकरण को लेकर की रखी गई थी। 23 विभागों के अधिकारियों को इस जनसुनवाई में शामिल किया गया।
हरसौली कस्बे के समीपवर्ती गांव नांगल सालिया में ओवरलोड भरी मिट्टी की ट्रैक्टर ट्रॉलियां हर रोज हादसे को न्योता दे रही हैं। ग्रामीणों ने बताया कि कादैया से बासनी की ओर जाने वाली सड़क के दोनों ओर गांव बसा हुआ है, जिस पर 24 घंटे काफी संख्या में ओवरलोड मिट्टी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉलियां चल रहे हैं। ट्रॉली में फट्टे लगाकर करीब 400 मन मिट्टी भरकर ले जाते हैं और ईंट भट्टे पर खाली करके आते हैं। गांव में रास्ता सकरा होने से निकलने की जगह भी नहीं बसती, जिसके कारण रास्ते पर ग्रामीण बुजुर्ग बच्चे और पशुओं का सड़क पर चलना भी मुश्किल हो रहा है। ओवरलोड मिट्टी ट्रैक्टर ट्रॉली गांव के अंदर से ले जाने से कई बार गांव में दुर्घटनाएं घट चुकी हैं। इस मामले में ग्रामीणों ने पुलिस थाना कोट कासिम को भी अवगत करा चुके हैं। ग्रामीणों ने ट्रैक्टरों को रोककर विरोध भी किया, पर ट्रैक्टर ट्रॉली वाले नहीं माने। ग्रामीणों के प्रशासन से मांग है कि ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉलियों को गांव के अंदर से बंद कर गांव के बाहर से निकाला जाए।